हाय एवरीवन, सो आज है हमारा लास्ट डे शिमला ट्रिप का एंड हम चेकआउट कर रहे हैं. टाइम नहीं मिल पाया ये प्रॉपर्टी पूरी आपको दिखाने की, सो अभी मैं आपको बस थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाती हूँ. सो इफ यू कैन सी, दिस इज़ दी रिसेप्शन और लॉबी एरिया. काफ़ी ह्यूज स्पेशियस है, अच्छा वैली व्यू ये कवर करती है. लिफ्ट है फॉर इजी एक्सेस, बच्चों के लिए प्ले एरिया भी है और बड़ों के लिए भी काफ़ी गेम्स हैं, इंडोर गेम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं. ये कल न्यू ईयर पार्टी के लिए यहाँ पे सेटअप हुआ था, थोड़ा डेकोरेशन हुआ था एंड काफ़ी डीजे एंड ऑल हमने इंजॉय किया था. प्रॉपर डीजे नाइट थे तो इट वॉज वेरी नाइस. मैं अभी आपको यहाँ से एक वैली व्यू भी दिखा देती हूँ. सी कितना अच्छा, मतलब आई कांट इवन एक्सप्रेस, कैमरा जस्टिस भी नहीं कर पा रहा होगा, इतना अच्छा व्यू है. जस्ट सी, यहाँ पे बैठ के यू कैन ईजीली, मतलब आप पूरा एक दिन यहाँ पे अच्छे से चिल कर सकते हैं एंड ये व्यू इन्जॉय कर सकते हैं. स्पेशली सोचिए स्नोफॉल हो या बारिश हो तो और कितना अच्छा व्यू होगा. सी ये अच्छा है ना, यहाँ पे नहीं आया था मैं पहले. और क्या, दिस इज अमेजिंग, नाइस व्यू. भाई काफ़ी देर से ड्राइविंग करने के बाद एक पैच मिला है हमें जो काफ़ी रफ सा है, आप देख सकते हैं. और ये पैच अभी आधा किलोमीटर हो चुका है मुझे चलाते हुए इस वाले रूट पे, और ये पैच ऐसा ही है. अब पता नहीं कितना और हमें चलना पड़ेगा इस पैच के साथ, लेकिन मुझे लगता है ये पैच थोड़ी दूर में ही ख़त्म हो जाएगा और ऑलमोस्ट अब ख़त्म ही हो गया है. अब हमें अच्छी रोड्स मिल गई है. तो भाई अपडेट ये है कि अम्बाला यहाँ से 100 किलोमीटर है, इनफैक्ट थोड़ा सा कम ही होगा, 90-95 किलोमीटर के आसपास होगा. और अम्बाला हम पहुँचने के बाद फिर हम पानीपत की ओर चलेंगे और फिर उसके बाद नोएडा और फिर जो हमारा तो फ़िलहाल का अपडेट यही है. और हम बीच में लंच के लिए रुकेंगे क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकले थे और बीच में हमने कोई हॉल्ट लिया नहीं था. तो अभी कहीं एक अच्छा कोई रेस्टोरेंट मिलता है तो वहीं पे हम हॉल्ट करेंगे और फिर लंच करेंगे और शायद डिनर भी हमारा ऑन द वे ही होगा डिनर, क्योंकि पहुँचते 10-11 बज जाएंगे. तो
का स्पीड लिमिट कैच कर रहे हैं। वाओ, दिस वाज अ लवली टनल। हाउ वाज इट? अमेजिंग। काफी लंबा टनल था और ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 300-400 मीटर का होगा ये टनल और नाइसली बिल्ट। मज़ा। हाय एवरीवन, सो हम फाइनली वो पहाड़ों से नीचे आ गए हैं एंड एक सरप्राइजिंगली चीज़ जो हमें यहाँ पे लगी वो ये थी कि वहाँ पे इतनी अच्छी धूप कि हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है हम गर्मियों में आए हैं। विहान के भी एक एक लेयर हमने धीरे धीरे हटाई है, कैप, ग्लव्स, जैकेट, कि नहीं बेटा इतनी ठंड नहीं है, आराम से रिलैक्स करो। और यहाँ आते ही मतलब एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए वाले सिचुएशन है। लेट मी जस्ट शो यू कि ये क्या है, मतलब अभी तो इतनी धूप थी और एकदम से ये क्या वेदर है यहाँ पे इतनी जल्दी। वेदर धीरे धीरे चेंज होता है, सब पता था, बट ये तो कुछ ज्यादा ही, मतलब वहां पे आंखों में धूप चुभ रही थी, यहाँ धूप ही नहीं है। और हार्डली हाफ एन आवर के डिस्टेंस पे, बस अभी तो हम नीचे उतरे हैं और यहाँ गाड़ियों की लाइट्स ऑन हो गई है, विजिबिलिटी नहीं है। चलो दोनों चीजों के मजे ले लेंगे एक ही दिन में। चलिए देखते हैं, अब हमने लेट ना हो जाए इस वजह से कहीं पे हम हमने हॉल्ट नहीं किया लंच के लिए। अब हम देखते हैं कहीं पे अगर कोई अच्छा वेन्यू मिलता है तो हम वहाँ पे रुकते हैं, कोई रेस्टोरेंट अच्छा, तो वहाँ पे रुक के देखते हैं अभी कब लंच का कहें, स्नैक्स लंच जो मिल जाए वो ले लेंगे, क्योंकि पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी तो डिनर भी बाहर ही होना है। तो लेट्स सी अब कैसा रहता है रास्ते में हमें कितना। भाई अपडेट ये है कि हमने अंबाला क्रॉस कर लिया है और अंबाला क्रॉस करने के बाद अब हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, 5-10 किलोमीटर आगे आ चुके हैं अंबाला से। और तो मौसम का हाल ये है कि काफ़ी ज़्यादा कोहरा है और जो एक्सपेक्टेड जो पहाड़ों पे बिल्कुल ही नहीं दिखा है, तो तो बस अभी ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं और देखते हैं अभी ये ट्रैफिक क्लियर होती है तो फिर आगे पहुंचते हैं, आगे चलते हैं इसी हाईवे पे। स्टे ट्यून्ड, विल कीप यू अपडेटेड। बाहर चले जाइए। सो फाइनली गाइस हम घर पहुंच चुके हैं, जो टाइम हो रहा है वो है 10:30, हमें ऑलमोस्ट लग गए 11-11.5 घंटे शिमला से घर पहुंचने में। बीच में हमने हल्का सा डाइवर्जन लिया था जो कि था ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे, क्योंकि वहाँ से जो रूट है वो शॉर्टकट दिखा रहा था। मुरथल में हमने हॉल्ट किया था लेकिन हम कुछ खाए नहीं और सीधे ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे से टर्न लेके गाज़ियाबाद होते हुए सीधे नोएडा पहुँचे। तो चलिए आज की ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो शिमला की, शिमला ट्रिप की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय।